हेलो हेलो एंड वेलकम गाइस, और मैं आज आपके लिए एक और ज़बरदस्त कंपैरिजन वीडियो लेके आया हूँ। और आज मेरे पास दो ओवर द ईयर हेडफोन्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। तो यार, सबसे पहले हम दोनों से मिल लेते हैं। तो आज हमारे पास एक सुंदर मेलोमेन मेलोफोन ओपेरा है, और साथ ही में उसके कंपैरिजन में मैं लेके आया हूँ बोल्ट ऑडियो प्रो बेस रेंजर। तो यार, दोनों ही हेडफोन्स मेरे को काफ़ी सॉलिड लगे, एंड आई कैन सी कि कैसे कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हो कि इन दोनों के बीच में से कौन सा खरीदे। तो देखो, इस वीडियो में मैं इन दोनों की सिमिलैरिटीज़, डिफरेंसेस सब आपको पॉइंट आउट करके दूंगा, ताकि आपके लिए ईजी हो जाए कि इन दोनों के बीच में से कौन सा खरीदना चाहिए। यू कैन मेक अ डिसीजन फॉर योर सेल्फ। तो यार, इससे पहले कि शुरू करूं, चैनल का नाम है टेक विजर्ड और मेरा नाम है सादिक, और मैं आपके लिए ऐसी क्वालिटी टेक वीडियोस लाता रहता हूं। तो गाइस, हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूं यार, हम इस मंथ गिव अवे करने वाले हैं, तो डू पार्टिसिपेट, डोंट फॉरगेट इट। और अब बात करते हैं इसके कंपैरिजन की। तो यार, सबसे पहले कुछ सिमिलैरिटीज मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करके आपको दे देना चाहता हूँ। तो दोनों ही हेडफोन्स में आपको ब्लूटूथ 5.4 मिल जाएगा, जो 10 टू 15 मीटर्स की रेडियस में आपको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। साथ ही साथ दोनों में माइक्रो यूएसबी चार्जिंग मिलेगा, सी टाइप नहीं। दोनों में ऑक्स कनेक्ट करने के लिए आपको 3.5 mm के जैक्स दिए हुए हैं। साथ ही साथ जो बटन्स यहाँ पे हैं वो काफ़ी सिमिलर हैं। तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन और पावर बटन मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं, दोनों ही हेडफोन्स में आपको इंस्टेंट वॉइस असिस्टेंट भी मिले हुए हैं। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि आप इसमें सीरी और गूगल आराम से यूज़ कर सकते हो। और दोनों ही हेडफोन्स का जो प्राइस है वो काफ़ी सिमिलर है, 1800 है, दोनों का एकदम सेम प्राइस है। अब हम बात करते हैं दोनों के बीच के डिफरेंसेस की। सबसे पहले हम आ जाते हैं बिल्ड क्वालिटी। तो बोथ द हेडफोन्स हैव अमेजिंग बिल्ड क्वालिटी, और यहाँ पे मैं इंडिविजुअली कुछ चीज़ें पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। तो बोल्ट में आपको यहाँ पे मेटालिक आर्चेस मिलेंगे, उसके नीचे आपको हेडबैंड मिल जाएगा, और ये हेडबैंड है, इसके साथ में आपको एडजस्टेबल हिंजेस मिल जाएंगे, तो ये आपके हेड के अकॉर्डिंगली शेप ले लेगा। और अब हम बात करते हैं मेलोमेन की। तो यहाँ पे आपको एक काफ़ी प्रीमियम डिज़ाइन मिल रहा है, काफ़ी सुंदर है, और जो यहाँ पे प्लास्टिक यूज़ करा हुआ है वो भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ ईयरकफ्स में आपको एक मेटालिक लुक मिल रहा है, और मेरे को बिल्ड क्वालिटी तो इसकी अच्छी लगी कंपेयर टू दिस वन। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, इसमें आपको एडजस्टेबल हिंजेस मिल जाएंगे, जो कि यहाँ पे इन्होंने एल्यूमिनियम यहाँ पे यूज़ कर रखे हैं जो एडजस्टर्स हैं इसके, तो दैट इज़ क्वाइट नाइस, और स्टर्डी भी हैं। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, ये जो मैंने हेडफोन्स लगा रखे हैं जिनपे, ये इसका केस है, और जो इसका केस है वो भी मेरे को काफ़ी अच्छी क्वालिटी का लगा। इतनी अच्छी क्वालिटी का केस मिलना इस प्राइस रेंज में, इट्स क्वाइट रेयर। तो दोनों ही हेडफोन्स मेरे को काफ़ी अच्छे लगे। अब हम बात करते हैं कंफर्ट की। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि दोनों ही हेडफोन्स जो हैं वो ओवर द ईयर हेडफोन्स हैं, और यहाँ पे दोनों की जो एयरकफ्स में आपको पैडिंग मिली है वो काफ़ी ज़्यादा मोटी है, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, तो आपके कानों को आराम से कवर कर लेगी। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरे को एक बोल्ट का एक कॉन दिखा रेंजर्स का, कि जो इनकी क्लैंपिंग फोर्स है वो काफ़ी ज़्यादा है कम्पेयर टू मेलोमेन। ये आपके सर को एक ज़ोर से दबाते हैं, तो वो चीज़ आप ध्यान में रखना। दोनों ही हेडफोन्स कम्फर्ट के मामले में मेरे को काफ़ी सिमिलर लगे, लेकिन बोल्ट एक पॉइंट से पीछे रह गया, जस्ट बिकॉज इट हैज़ क्वाइट अ लॉट ऑफ क्लैंपिंग फोर्स, तो वो चीज़ आप ज़रूर से ध्यान में रखना। आप साउंड क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पे बोल्ट में आपको 50 mm के ड्राइवर्स मिल रहे हैं, वहीं मेलोमेन में आपको 40 mm के ड्राइवर्स मिल रहे हैं, तो साउंड सिग्नेचर में आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि जो बोल्ट की मेरे को साउंड क्वालिटी लगी वो मुझे ज़्यादा क्लियर लगी, एक काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग बेस आपको इसमें मिल जाते हैं, और साथ ही साथ आपको ये बहुत स्मूथ गेमिंग एक्सपीरियंस भी प्रोवाइड करते हैं। वहीं मेलोमेन में अगर आते हैं तो मैं बोलूँगा कि आपको ये एक एवरेज लिसनिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है, टू बी ऑनेस्ट। यहाँ पे जो साउंड क्वालिटी है वो मुझे उतनी पसंद नहीं आई, और मैंने कॉल टेस्ट वगैरह करके देखा तो यहाँ पे जो ऑडियो क्वालिटी आपको मिल रही है वो भी ज़्यादा अच्छी नहीं है, साउंड आपको थोड़ी मफल्ड आती है मेलोमेन में। और मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि दोनों ही हेडफोन से काफ़ी अच्छा पैसिव नॉइस आइसोलेशन आपको प्रोवाइड करते हैं, तो जो भी एक्स्ट्रा आवाज़ें हैं बैकग्राउंड में वो काफ़ी हद तक ये लोग कम कर देते हैं।
अब हम बात करते हैं बैटरी बैकअप की। तो आपको यहाँ मेलोमेन 25 आवर्स का प्लेबैक टाइम देता है, वहीं प्रो बेस रेंजर आपको 10 आवर्स का प्लेबैक टाइम देते हैं। दोनों ही हेडफोन्स माइक्रो यूएसबी यूज़ करते हैं चार्ज होने में। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, दोनों ही हेडफोन्स स्वेट प्रूफ हैं और आप जिम वगैरह भी पहन सकते हो या लॉन्ग आवर्स के लिए भी पहन के आप रनिंग वगैरह में जा सकते हो। तो मुझे ये दोनों हेडफोन्स काफ़ी अच्छे लगे। अब हम बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट की कि मेरी क्या ओपिनियन है इन दोनों हेडफोन्स के बारे में, आपको कौन सा लेना चाहिए। तो पर्सनली अगर आपको हेडफोन्स किसी को गिफ्ट करने हैं जो कि काफ़ी कंफर्टेबल भी हो और दे सिट ऑन योर ईयर वेल और साथ ही साथ आपको एक काफ़ी प्रीमियम बिल्ड मिल जाते हैं, और लेकिन आपको साउंड क्वालिटी उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है, मतलब ठीक ही है लेकिन उतना अच्छा नहीं है, तो आई सजेस्ट यू कैन गो विद मेलोमेन मेलोफोन्स ओपेरा। काफ़ी अच्छे फोन्स हैं और किसी को गिफ्ट करने के लिए दे आर परफेक्ट। लेकिन अगर आपको अमेजिंग साउंड क्वालिटी चाहिए विद प्रीमियम डिज़ाइन जो कि काफ़ी स्टैंड आउट करती है बाकी के हेडफोन से, और आप गेमिंग वगैरह के लिए यूज़ करना चाहते हो, तो गाइज आपके लिए प्रो बेस रेंजर है। एंड आई कैन डेफिनेटली सजेस्ट यू दीज हेडफोन्स, काफ़ी अच्छे हैं। दोनों ही आपको 1800 में मिल जाएंगे। तो इट डिपेंड्स कि आपको किस लिए ये हेडफोन चाहिए। तो आई होप मैं आपकी इस वीडियो में हेल्प कर पाया हूँ इन दोनों हेडफोन्स को चूज़ करने में। और मैं आपको एक रिमाइंडर फिर से दे देना चाहता हूँ, गिव अवे चल रहे इस मंथ में, तो प्लीज़ पार्टिसिपेट करना बिल्कुल मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर लाइक नहीं किया है वीडियो को तो यार क्या कर रहे हो, डू लाइक। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए यार टेक केयर, बाय बाय।